हरे कृष्णा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सो हम लोग भागवतम पहला स्कंद चौथे अध्याय पर डिस्कशन करेंगे मंगलाचरण के बाद। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददाति स्वपदांतिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विदान स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुधिस्तम अहम प्रपत्ते हरे कृष्णा। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि सुता गोस्वामी ने बोलना शुरू किया था और उन्होंने भगवान कृष्ण और उनके विभिन्न अवतारों के बारे में वर्णन उन्होंने किया और उन्होंने बोला सुता गोस्वामी ने कि जब व्यास देव जी ने यह ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को दिया था और सुखदेव गोस्वामी ने यह ज्ञान जो है परीक्षित महाराज को दिया और जब वो परीक्षित महाराज को दे रहे थे मैं वहीं बैठा था, मैंने सुन लिया और मैं आपको बेसिकली रिपीट कर रहा हूँ। ये सुनते ही अब चौथा अध्याय शुरू हो गया। ये जब सुना शौनक आदि ऋषियों ने तो सारे एकदम प्रसन्न हो गए और शौनक ऋषि ने विशेष रूप से सुता गोस्वामी को बहुत बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्होंने और उन्होंने बोला कि आप गुरु परंपरा के माध्यम से आप हमें ये नॉलेज ये ज्ञान आप हमें दे रहे हो तो इसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हो। तो सवाल उठा कि शौनक ऋषि ये बात क्यों बोल रहे हैं, आखिर उनको ये अधिकार किसने दिया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो पहला श्लोक है चौथे अध्याय का इसमें उनके तीन गुण दे रखे हैं शौनक ऋषि के। पहला गुण ये है कि वो वयोवृद्ध हैं, उनकी आयु में श्रेष्ठ हैं वो, और दूसरा वो कुलपति हैं, कुल से श्रेष्ठ हैं जाति वृद्धा, और तीसरी बात है कि ज्ञान वृद्ध हैं वो, नॉलेज है उनको, उन्होंने अनेक शास्त्रों का पुराणों इत्यादि का उन्होंने अध्ययन कर रखा है। तो तीनों दृष्टिकोण से देखा जाए तो शौनक ऋषि जो है वो एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सक्षम थे, इसीलिए उन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया तो बधाई दी। तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है इसके अंदर। और श्रील प्रभुपाद वहाँ पर लिख रहे हैं कि देखो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो अनुभव है रियलाइजेशंस है अनुभूतियाँ उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो पहली बात तो यह है कि एक भक्त को अपने पूर्ववर्ती आचार्यों में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं पीछे चेन चल रही है उनमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए और साथ में उस भक्त को ये प्रयास करना चाहिए कि जो विषय है उसको बहुत अच्छे से वो समझने की कोशिश करे, उस पर चिंतन करे, मनन करे, परिप्रश्न से व्या प्रश्न पूछे, जिज्ञासा करे, कोई भी डाउट्स हैं उसको क्लैरिफाई करे, पूर्व पक्ष जो है इत्यादि जो सब चीज़ों को क्लैरिफाई करके एक निष्कर्ष पर पहुँचे और फिर उसको बहुत ही उचित तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत भी करें, उसको दूसरे लोगों को बताएं। लेकिन जब वो दूसरों को बता रहे तो जो उस नॉलेज है जो वो ग्रंथ है जो स्क्रिप्चर है उसकी जो ओरिजिनल जो इंस्ट्रक्शन है जो शिक्षा है वो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, वो एज इट इज़ मेंटेन करनी चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने जब भगवद्गीता की टिप्पणी दी तो उन्होंने नाम रखा भगवद्गीता एज इट इज़, भगवद्गीता यथारूप, जैसे भगवान कृष्ण का जो मंतव्य था पूर्ववर्ती आचार्यों का जो मंतव्य था एज इट इज़ श्रील प्रभुपाद ने प्रेजेंट कर दिया उसको। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कोई भी
उल्टा सीधा परोक्ष अर्थ, बिल्कुल पता नहीं कहाँ से वर्ड जगलरी करके, इधर के टांका उधर भिड़ा के, कोई उल्टा सीधा मतलब बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए, फिर भी उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि जो ऑडियंस है, जो श्रोता है, उसको समझ सके। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं इसी को रियलाइजेशन, अनुभव, अनुभूति कहते हैं। जो ये कर सकता है, इसका मतलब उसने ये टॉपिक जो है वो रियलाइज कर लिया। शौनक ऋषि ने बोला, ओ सुधा गोस्वामी, आप हमें बताओ, आप हमें और बताओ, सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला। और जब शौनक ऋषि ये बोल रहे थे, तो कोई ऐसे नहीं लग रहा था कि मजबूरी के तहत बोल रहे हैं, ओ यार अब फंसी गए, चलो बता दो। बहुत ही खुशी से सूता सूता, बहुत ही खुशी से हर्षित होकर वो सूता गोस्वामी को एड्रेस कर रहे हैं, आप और बताओ, हम सुनना चाहते हैं, हमें बहुत जिज्ञासा है। और उन्होंने कहा कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं, व्यासदेव के पुत्र हैं, तो बचपन से ही ये तो पैदा होते ही ब्रह्म ज्ञानी थे, तो और ब्रह्म ज्ञानी भी थे, और एकांत चित्त उनका था, एकाग्र चित्त से चल रहे थे वो, इसलिए भागवत में बोला भी क्या है, तस्माद एकांत मनसो भगवान सात्वताम पते श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च। तो एकाग्र चित्त होकर वो विषय वस्तु का जो है उस पर मनन भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को ढक रखा था, और ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कोई मूर्ख होता है, जैसे कोई ब्रह्म ज्ञानी है, स्त्री पुरुष में भेद नहीं कर रहे, और छोड़ के चले गए थे अपना घर, और बिल्कुल नंगना अवस्था में जा रहे थे, और पीछे व्यासदेव दौड़ रहे थे, रुको रुको भाई रुको, मेरे पास सुनो। तो जब सुखदेव गोस्वामी निकले, तो कुछ स्त्रियां नहा रही थी तालाब में, तो उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी को देखा, सुखदेव गोस्वामी इधर उधर देख रहे थे क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपना शरीर कवर नहीं किया उन स्त्रियों ने। लेकिन जब व्यासदेव वहाँ से निकले, व्यासदेव उस तरफ देख भी नहीं रहे थे, व्यासदेव को पता चल गया था स्त्रियाँ नहा रही हैं, वहाँ देखना अच्छा नहीं है, उन्होंने उस तरफ देखा भी नहीं, फिर भी उन स्त्रियों ने अपने शरीर कवर कर लिए। तो व्यासदेव जी को बड़ा आश्चर्य लगा, उन्होंने बोला यार अभी तो एक तो मेरा पुत्र जवान, ऊपर से नेकेड नंगा नग्न अवस्था में, और ऊपर से इधर उधर देख रहा था, तब तुमने कवर नहीं किया, मैं बूढ़ा और मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, तब भी तुम कवर कर रहे हो, ये क्या है? उन्होंने बोला कि वो भेद नहीं कर रहे स्त्री और पुरुष के अंदर, जैसे श्रृंगार ऋषि था ना, भेद नहीं कर रहा था वो, अरे वो उसको तो चलो जानकारी नहीं थी, उसने कभी देखा ही नहीं था क्या हो रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी भेद नहीं कर रहे थे स्त्री पुरुष में, लेकिन व्यासदेव जी वो गृहस्थ आश्रम में थे, वो भेद कर रहे थे, उन्होंने बोला आप भेद कर रहे हो इसलिए हमने कवर कर लिया, व्यासदेव जी शांत हो गए। तो शौनक ऋषि ने पूछा कि मतलब वो बिल्कुल मूर्खों की तरह नग्न अवस्था में चल रहे हैं, मूर्खों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो जब वो हस्तिनापुर में उन्होंने जब प्रवेश किया था सुखदेव गोस्वामी ने, तो लोगों ने उनको पहचाना कैसे उनको, कि ये बहुत ही एग्जॉल्टेड सोल है, क्योंकि बिल्कुल मूर्खों की तरह व्यवहार कर रहे थे। पता तो तब चलेगा ना जब कोई मुंह खोलेगा, जैसे कोई मुंह खोलेगा तब पता चलेगा बुद्धिमान है, अकलमंद है कि बेवकूफ़ है, और चुप करके खड़े हैं तो कैसे पता चलेगा कि इनमें कितनी समझ है नहीं है, क्या चल रहा है। तो उन्होंने कैसे पहचान लिया, कैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, आखिर उनको प्रश्न पूछने का मौका कैसे मिल गया, क्यों ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जो महान भक्त होते हैं वो कभी भी एक स्थान पर ज़्यादा देर नहीं रुकते, और इतना ही टाइम रुकते हैं जितनी देर एक गाय का दूध धोने में टाइम लगता है, बस उतनी देर वहाँ पे रुकेंगे। और वो भी क्यों रुकते हैं, उसका कल्याण करने के लिए, जो गृहस्थ लोग हैं उनका कल्याण करने के लिए रुकते हैं, उसके अलावा ज़्यादा रुकते नहीं हैं। तो जैसे परीक्षित महाराज का नाम लिया, तो शौनक ऋषि ने बोला कि अच्छा आप हमें परीक्षित महाराज के बारे में भी बताओ, क्योंकि आपको सारी नॉलेज है, हालांकि आपको वेदों के कुछ अंश आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको वैसे पूरी नॉलेज है,
और आप सक्षम हो आंसर देने में, इसलिए आप हमें बताओ। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो वेद हैं उसके उसको छंद निरुक्ति इत्यादि उसको बोलने के लिए एक मीटर होता है, इनोटेशन होती है, किस ऊंचाई में निचाई में कैसे वेदों का उच्चारण करना है। तो सूता जो सुखदेव गोस्वामी हैं, जो सूता गोस्वामी हैं वो वेदों के कुछ हिस्सों में वो पारंगत नहीं थे, लेकिन फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं यही डिफरेंस होता है ब्राह्मण और परिव्रजक आचार्य में। एक जो परिव्रजक डिवोटी होता है वो हो सकता है कि वेदों के श्लोकों का अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाए, एक ब्राह्मण जो है जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो हो सकता है बहुत अच्छे से उच्चारण कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्राह्मण है वो परिव्रजक का जो डिवोटी है उससे श्रेष्ठ हो जाए, जो वो उससे श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि जो परिव्रजक का डिवोटी है, जो साधु है, वो ऐसे शास्त्र का प्रचार कर रहा है जो अमल शास्त्र है और सभी शास्त्रों पुराणों के अंदर सर्वश्रेष्ठ है और जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो रियलाइजेशन है, जो अनुभूति है, अनुभव है, वो तोते की तरह रटंत लगाने से जो रियलाइजेशन अनुभूति वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो अगर कोई तोते की तरह रटे जा रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या होगा इससे, जिसको कोई लेना देना नहीं है, ऐसे कितना ही सुंदर बोल रहे उसे क्या फ़ायदा है। एक जो रियलाइज डिवोटी है उसकी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वंशीदास बाबा जी महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इत्यादि भक्तों का महत्व है, यद्यपि वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो जो व्यासदेव जी हैं, व्यासदेव जी उन्होंने पूछा शौनक ऋषि ने कि आखिर ये कब ये ग्रंथ बोला गया था, क्या परिस्थितियाँ बनी, उनको ये इंस्पिरेशन, उनको ये बोलने की कैसे मिली। तो अब उत्तर दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो व्यासदेव हैं, व्यासदेव जी जो हैं वो सत्यवती और पराशर मुनि से वो पैदा हुए, उत्पन्न हुए, और उसमें द्वापर युग की तीसरी संध्या चल रही थी, मतलब आखिरी टाइम चल रहा था बेसिकली करीब करीब। और ये 28वां महायुग था और इस 28वें महायुग में द्वापर और त्रेता आपस में चेंज हो गए थे। त्रेता मतलब तीसरा, तो आम तौर पे त्रेता द्वापर के बाद आता है, लेकिन इस 28वें महायुग के अंदर जो त्रेता युग है वो द्वापर से पहले आ गया था, इसलिए भगवान राम पहले आए और भगवान कृष्ण जो है वो द्वापर युग में बाद में आए। तो द्वापर युग की तीसरी संध्या में व्यासदेव जी प्रकट हुए और एक बार व्यासदेव जी स्नान करके और बैठे हुए थे, उन्होंने देखा यह कलयुग आने वाला है, पहुंच गया कलयुग तो अब कुछ देर में है, लोगों की आयु भी कम हो जाएगी, बेवकूफ़ भी बन जाएंगे लोग और अनेक कठिनाइयों से भी घिर जाएंगे, तो आखिर इनके कल्याण का क्या मार्ग है। तो ऐसा सोच सोच के उन्होंने जो वेद हैं, उन्होंने वेदों को उसका उसको वेद को सरल बनाने का उन्होंने मन में विचार किया। उस समय एक ही वेद होता था, यजुर्वेद। तो उन्होंने फिर एक वेद को चार में डिवाइड किया, साम, अथर्व, यजुर् और ऋग्वेद। तो ये चारों में डिवाइड कर दिया और फिर एक पांचवा वेद भी उन्होंने बनाया जिसको पुराण इतिहास कहते हैं। तो ये जो पांचों वेद हैं ये इन्होंने अपने अलग अलग शिष्यों को पकड़ा दिए और वो उनके जो शिष्य हैं उन्होंने आगे अपने अलग अलग अनेक शिष्यों को पकड़ाए, ऐसे बेसिकली स्प्रेड होता चला गया ये। और जहाँ सूता गोस्वामी ने बोला कि जो इतिहास और पुराण है ये मेरे पिता रोमहर्षण को दिए गए थे, वो इसके टीचर या प्रोफेसर थे वो बेसिकली। तो आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया सूता गोस्वामी ने कि जो ये व्यासदेव हैं उन्होंने बहुत ही दया करके स्त्री शुद्ध और द्विज बंधु जो कि लेस इंटेलिजेंट माने जाते हैं, कम अकल माने जाते हैं, उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए उन्होंने
वेदों का सरलीकरण भी कर दिया और महाभारत भी लिख दी, और महाभारत के अंदर भगवद गीता जैसे रत्न को उन्होंने वहाँ पर प्लेस कर दिया। भगवद गीता जो है वो महाभारत का बेसिकली हिस्सा है। द्विज बंधु कौन होते हैं? द्विज बंधु वो होते हैं जो कि पैदा तो ब्राह्मण कुल में हुए हैं लेकिन ब्राह्मणोचित गुण उनके अंदर नहीं है। जैसे क्षत्र बंधु हैं, क्षत्र बंधु का मतलब है कि पैदा क्षत्रिय कुल में हुए लेकिन क्षत्रियों के गुण नहीं है। ऐसे द्विज बंधु होता है, पैदा हो गए जाति से ब्राह्मण हो लेकिन क्या ब्राह्मणों के गुण नहीं है, ब्राह्मणों के गुण नहीं है, वर्ण संकर हैं, उनको द्विज बंधु बेसिकली उनको कहा जाता है। तो लेस इंटेलिजेंट क्यों बोल रहे हैं स्त्रियों, शूद्रों और द्विज बंधुओं को? क्योंकि वो फिलॉसफी में, सिद्धांत में, दर्शन के अंदर उनका इंटरेस्ट कम होता है। उनका इंटरेस्ट होता है बेसिकली स्टोरीज के अंदर, हमें स्टोरी सुनाओ, स्टोरी हमें अच्छी लगती है। इसलिए आप देखो आजकल ज़्यादातर कथावाचक वो बेसिकली स्टोरी सुना रहे हैं, और इनफैक्ट जो डिवोटीज हैं जिनको सिद्धांत बहुत ही गंभीरता से प्रस्तुत करना चाहिए, उनका भी रुझान अब स्टोरीज, कथाओं की ओर जाना शुरू हो गया है कि किसी तरह से हम स्टोरीज बनाएं, हमारे यूट्यूब फेसबुक पे हमारे 50 50 एक एक लाख हमारे व्यूज़ आ जाएं, ओ हमारा जीवन सक्सेसफुल हो गया। ऐसा जनरली लोगों का आजकल विचार चल रहा है। लेकिन जितने भी ये कथावाचक होते हैं, स्पेशली जो प्रोफेशनल कथावाचक हैं, कोई भी ढंग की बात नहीं कर पाते। उनका काम ये होता है कथा सुनाओ, आपसे पैसा लूटो और उल्लू बनाओ आपको और आगे निकल जाओ। ज़्यादातर उनकी जो कथाएं, चाहे वो भागवतम इत्यादि ग्रंथों की कथाएं सुनाते हैं वो, लेकिन यूजलेस होती हैं, कोई निष्कर्ष कोई पहुंचता नहीं है। भगवान कृष्ण को उनकी शरण लेनी है, कैसे शरण लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जीवन में क्या बदलाव लाने हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बस मधुर कंठ से बोलते रहो, उसी से काम हो जाएगी। तो इतने सारे उन्होंने ग्रंथ लिख दिए, पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दी, तो भी व्यासदेव जी सेटिस्फाइड, संतोष का अनुभव नहीं कर रहे थे। और वो सोच रहे थे मैंने पूरा, मैं कॉम्पिटेंट भी हूँ, मुझे पूरी नॉलेज भी है, मैंने लोगों के कल्याण के लिए भी कार्य किया, फिर भी मुझे संतोष क्यों नहीं हो रहा, आखिर ये क्या हो क्या रहा है? तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग अपने कितना ही नॉलेज इकट्ठी कर लें, कितना ही हम अपनी ड्यूटीज़ को परफेक्टली कर रहे हैं, कितना ही हम समाज कल्याण के काम कर लें, कुएं खुदवा दें, प्याऊ लगवा दें, धर्मशालाएं खुलवा दें, स्कूल कॉलेज इत्यादि खुलवा दें, लेकिन जब तक हम एक काम नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी पूर्ण संतोष का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमेशा एक कमी, एक वॉइड हमारे अंदर हमेशा बरकरार रहेगा। तो व्यासदेव जी ने सोचा, व्यासदेव जी के मन में एक डाउट, एक संशय आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने भगवान कृष्ण की सेवा के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में मैंने विवेचना नहीं की, उसका मैंने एक्सक्लूसिव, बहुत ही सिर्फ कृष्ण भक्ति के बारे में मैंने वर्णन नहीं किया, इस कारण से ऐसा हो रहा है। और कृष्ण भक्ति का जो वर्णन है वही परमहंस भक्तों को प्रिय होता है, तो क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा तो नहीं कि इसी कारण से ये बात हो रही हो। और वो उस समय सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे, और जब वो ऐसा सोच रहे थे तो नारद जी एकदम वहाँ पर पहुँच गए, और नारद जी को देखा व्यासदेव जी ने, और तुरंत खड़े हुए, और उन्होंने जिस प्रकार ब्रह्मा जी की उपासना देवी देवता भी करते हैं, ऐसे ही विधिवत व्यास देव जी ने श्री नारद की उपासना की, उनको अत्यधिक सम्मान दिया। यहाँ पे एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि व्यास देव जी भगवान के अवतार हैं, पहली बात ये जान लेना, पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी। तो क्योंकि भगवान के अवतार हैं इसलिए उनमें वो असंतुष्ट नहीं हो सकते। तो जब वो असंतुष्ट नहीं हो सकते तो फिर वो असंतोष का अनुभव क्यों कर रहे हैं? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान ने ये स्पेशल कंडीशन, परिस्थितियाँ भगवान ने
क्रिएट कर दी, सृजित कर दी भगवान ने, ताकि भागवतम जो है वो प्रकट हो सके। बिल्कुल ही उसी प्रकार है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने बलराम जी के जो ज्ञान है उसको ढक दिया था, ताकि ब्रह्म विमोहन लीला की जो मधुरता है और अधिक प्रखर और अधिक स्वादिष्ट स्वादु होकर वो सामने आ जाए। तो ऐसा मत सोचिएगा कि व्यासदेव जी देखो वही कंफ्यूज हो गए, ऐसा बिल्कुल, ये सोचने से हमारी जो हमारे गुरु परंपरा है उसके अंदर श्रद्धा घट जाती है। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, उनके ही हम जो संप्रदाय के अंदर बैठे हैं। अरे ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय चाह रहे हैं, वो कंफ्यूज नहीं हो सकते। भगवान परिस्थितियाँ बना देते हैं ताकि किसी पास टाइम कोई लीला की मधुरता का और अधिक आस्वादन कर सकें। इस बात को अगर हम ध्यान में रख के जब भी इंद्र भी मोहित हुए, ब्रह्मा जी भी मोहित हुए, शिव जी भी मोहित हुए, हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इनको ध्यान में रखेंगे तो भगवान की मधुर लीलाओं का आस्वादन भी कर पाएंगे, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों में गुरु परंपरा में हमारी श्रद्धा भी कम नहीं होगी, और हम अच्छे से इस ज्ञान और विज्ञान को समझकर उसको मनन करके दूसरे लोगों को भी अच्छे से समझा पाएंगे। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।